हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला प्रो कबड्डी सीजन 9 का दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का मैच के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 6 hours 3 minutes हैं। इंडिया का टाइम का अंसा देखा जाए तो आज रात 8:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता, तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करने से मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, @jhofantasy। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों, दो दो बंदे ने मेरे चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया। आप इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत होना, आपको ये फेक टीम देगा और ये फेक अकाउंट भी है दोस्तों। भूल से भी ज्वाइन मत करना इस दोनों अकाउंट में, जिसमें 556 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें ज्वाइन करना दोस्तों। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 spot 4 spot और 5 spots में ट्राई करने से आप 100% विन होंगे। अब तक अब जितने लॉसेस हुए वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर कर देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले डिफेंड में देखा जाए तो मैंने ग्रीसन्ना मारुति को पिक करूंगा और के दुल को और विजय कुमार को। मैंने 3 डिफेंडर्स को पिक कर लिया। उनका स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो ग्रीसन्ना मारुति ने लास्ट मैच में 3 टैकल पॉइंट और 1 सुपर टैकल किया था दोस्तों। टोटल पॉइंट है ग्रीसन्ना का 4, लेकिन कमाल का डिफेंडर दोस्तों इस सीजन 9 में कमाल का डिफेंस कर रहे हैं दोस्तों। के दुल के बारे में बात करते हो जाए तो के दुल ने भी लास्ट में कमाल का डिफेंस किए थे, 2 टैकल पॉइंट और 1 सुपर टैकल, तो पूरा 3 टैकल किए थे दोस्तों लास्ट मैच में। कमाल का डिफेंस किए थे दोस्तों लास्ट मैच में के दुल ने 3 टैकल किए थे। विजय कुमार के बारे में बात करें तो विजय कुमार ने लास्ट मैच में 0 टैकल पॉइंट्स, लेकिन विजय कुमार एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, आप इनको 100% पिक करना। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो ए मलिक ने लास्ट मैच में 5 राइड पॉइंट और 3 बोनस लिए थे दोस्तों। कमाल का राइडिंग किया था दोस्तों लास्ट मैच में। इनका टोटल पॉइंट 8 पॉइंट था दोस्तों लास्ट मैच में। कमाल का राइट पॉइंट किया था दोस्तों लास्ट मैच में ए मलिक ने। मैंने ऑलराउंडर में एक ऑलराउंडर को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया दोस्तों। डिफेंडर में मैंने 3 डिफेंडर्स को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब राइडर्स में देखा जाए तो नवीन कुमार एक्सप्रेस, मनिंदर सिंह और मनजीत। मैंने राइडर्स में 3 राइडर्स को पिक कर लिया। उनका स्टैट्स के बारे में बात करें तो नवीन कुमार एक्सप्रेस ने लास्ट मैच में 9 राइड पॉइंट किए थे दोस्तों और 4 बोनस पॉइंट। कमाल का राइडिंग किया था दोस्तों लास्ट मैच में नवीन कुमार ने। नवीन कुमार का लास्ट मैच में टोटल पॉइंट 13 था दोस्तों। कमाल का राइडिंग किया था नवीन कुमार ने लास्ट मैच में। मनिंदर सिंह के बारे में बात करें तो मनिंदर सिंह ने लास्ट मैच में 4 राइड पॉइंट लिया था दोस्तों और 2 बोनस पॉइंट। लास्ट मैच में इतना अच्छा खेला नहीं था दोस्तों, लेकिन मनिंदर सिंह एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप 100% पिक करना। मनिंदर सिंह ने लास्ट मैच में 6 राइड पॉइंट लिया था दोस्तों, लेकिन एक कमाल का राइडर है। मनजीत के बारे में बात करते हैं, मनजीत का डेब्यू सीजन है लेकिन कमाल का राइडिंग कर रहा है दोस्तों। मनजीत ने लास्ट मैच में थोड़ा फेल हुआ, लेकिन मनजीत एक कमाल का राइडर है दोस्तों। लास्ट मैच में 3 राइड पॉइंट और 1 बोनस, कमाल का राइडर है। लास्ट मैच में 4 ही राइड पॉइंट ले पाया दोस्तों, लेकिन एक कमाल का राइडर है, इनको आप 100% पिक करना। मैंने अब तक सब प्लेयर को स्टार्ट बताया दिया दोस्तों। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो मैंने नो डाउट नवीन कुमार एक्सप्रेस को कैप्टन बनाऊंगा। वाइस कैप्टन में मनजीत को भी ट्राई कर सकते हैं, महेंद्र सिंह को, लेकिन महेंद्र सिंह पर मैं जाऊंगा दोस्तों।
दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने डिफेंडर में 3 डिफेंडर को लिया, विजय कुमार को, केदुल को और कृष्ण मारुति को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने एक ऑलराउंडर को लिया हूँ, ए मलिक को। और राइडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बिगेस्ट राइडर्स को लिया हूँ दोस्तों, कमाल का राइडर्स है ये तीनों, नवीन कुमार एक्सप्रेस और मंजित और मनिंदर सिंह, कमाल के तीनों राइडर्स है दोस्तों। दोस्तों जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 शॉट्स में ट्राई कर सकते हैं, आप उनमें 100% विन होंगे। जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद कोई भी प्लेयर मिस होगा दोस्तों तब मैं टीम को चेंज करूंगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। लेकिन जो आपको ये टीम दिखाई दे रहा है आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करने से आप 100% विन होंगे। थैंक यू।